मेल, एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन में क्या अंतर होता है क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे में कई तरह की ट्रेन होती है। कुछ फास्ट होती है तो कुछ स्लो ट्रेन भी है। स्लो ट्रेन को लोकल या पैसेंजर ट्रेन भी हम कह सकते हैं, जबकि फास्ट मेल, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेन होती है। कई सालों में पहले लोगों के डाक यानी कि पोस्टल को देश में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जिन ट्रेनों से इन पोस्टल को पहुंचाया जाता था उन ट्रेनों में एक स्पेशल कोच होते थे। ये रेल कोच एक खास कलर के पोस्ट बॉक्स या डस्ट रेड कलर के होते थे, जिस पर RMS यानी कि रेल मेल सर्विस लिखा होता था। तो ऐसी ट्रेन जो RMS कोच के साथ जाते थे उन ट्रेनों को मेल ट्रेन कहा जाता था, जैसे कि पंजाब मेल, मुंबई मेल, कालका मेल। लेकिन समय बीतने के साथ ही साथ RMS कोच को भी हटा दिया गया और नॉर्मल कोचों में पोस्टल ले जाया जाने लगा, लेकिन इसके नाम वही रह गए। अब जरा अंतर भी समझते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन मेल ट्रेन के समान ही होती है, बस इसमें RMS कोचेज नहीं होते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनमें भी पोस्टल भेजे जा सकते हैं। इन ट्रेन्स के स्टॉप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। आपको बता दें कि एक्सप्रेस ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। इन ट्रेन्स में आपने नाम सुना होगा हिमगिरी एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, अवंतिका एक्सप्रेस, ऐसी ट्रेन्स आती हैं। अब जानते हैं सुपर फास्ट ट्रेन को। सुपर फास्ट ट्रेन अपनी एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज़्यादा की स्पीड से ही चलती हैं। आपको हम ये भी बता देते हैं कि ये ट्रेनें छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती और इन ट्रेनों के किराए पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाया जाता है, और साथ ही साथ ये ट्रेन जिस रूट पर चल रही होती है उस रूट पर इन ट्रेनों को प्रायोरिटी दी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।